आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधेरे ले आए हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजाले। जी 2002 से आपको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हुई, क्या प्रॉब्लम होती थी? रात को थोड़ी लाइटों में दिक्कत आती थी, लाइट में चलाते समय दिक्कत आती थी। फिर तो 2002 से 2006 तक मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया। ठीक, तो उन्होंने मना कर दिया था, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उन्होंने पहले दिन ही मना कर दिया था। हाँ, वो सब कोई ट्रीटमेंट असर नहीं करा। तो 2012 में आपने क्या हुआ? सर 2012 में हम श्रीधरम केरला गए दिखाने। ठीक, वहाँ मैंने 4 साल ट्रीटमेंट लिया। हाँ, 12 से 15। उसके बाद मेरा जो बीमारी जहाँ थी वहीं तक ही थी, उसके बाद मुझे प्रॉब्लम बड़ी भी नहीं लगी। लेकिन अभी 2-3 साल से थोड़ी प्रॉब्लम बड़ी है मेरी। प्रॉब्लम बढ़ रही है तो अब क्या होना शुरू हुआ आपको? मेरा भाई एक तो आंखों में धुंधलापन हो गया सर। ठीक, और सेंटर में एक ब्लैक स्पॉट सा लगता है मुझे मेरी आंखों में। दोनों आंखों में, एक में? एक में, राइट आई में ब्लैक स्पॉट भी दिखाई पड़ता है। और क्या परेशानी? और सर थोड़ा दिन में तेज धूप में निकलता हूँ तो मुझे थोड़ी परेशानी होती है। चलने में दिक्कत होती है? हाँ, लाइट तेज लगती है। लाइट तेज लगती तो उसकी वजह से कुछ एक एंजाइटी टाइप की फील होती है कि जैसे कोई परछाई मेरे साथ चल रही है, एकदम से कोई चीज सामने आ रही है। साइड के विजन में क्या हुआ आपको? साइड विजन मेरा सर थोड़ा थोड़ा दोनों हो गया हुआ है सर। लेफ्ट आई में ज्यादा प्रॉब्लम है साइड विजन। दिन में आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं? दिन में सर अभी साल भर से नहीं कर रहा हूँ, पहले कर रहा हूँ। सीढ़ी चढ़ने उतरने में? सीढ़ी से उतरने हल्की सी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम होती है ना? कोई आपसे हाथ मिलाता तो आप मिला लेते हैं डायरेक्ट? नहीं सर। नहीं, कोई चाय देता तो ले लेते हैं? नहीं नहीं सर। यह स्थिति हो गई है आपकी कि आपको एग्जैक्ट टारगेट दिखना भी बंद हो गए हैं। कोई आपको हेलो हाय करता दूर से तो आप नहीं देख पाते कौन है। ठीक है ना? यस सर। कपड़ों का रंग पहचान लेते हैं? सर कुछ एक कलर पहचान में आते हैं, कुछ एक समझ में आते हैं, बाकी समझ में नहीं, कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता। नोट देख लेते हैं? नहीं सर, ऐप के थ्रू देखता हूँ सर। 500 का नोट पहचान पाता हूँ बस, बाकी कोई सा नोट नहीं पहचान। कब से हो गया ये सर? अभी सब 2 साल से हो गया। 2 सालों से आप पैसा भी नहीं देख पा रहे हैं? जी हाँ। ठीक जी, देखें आज आपको। तो श्री नितेश जी, आपकी स्थिति है कि आज आप पास का दोनों आंखों से कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं, ना हिंदी, ना मैथ्स, ना इंग्लिश। ठीक, और दूर में आपको राइट आंख से 1 फीट से करीब नजर आती है उंगलियां, लेफ्ट से वो भी नहीं आती। ठीक है, नितेश जी, आज का आपका 7वां दिन है, पहला कोर्स खत्म हुआ है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। देखें आज आपको क्या पढ़ सकते हैं पास का। सी चार्ट में आपको ये बताना है। हाँ, बड़ा सी है, उसका मुंह किधर टूटा? बड़ा सी का उसके पास वाला, उसके पास में सर सी है जिसका मुंह लेफ्ट हैंड पे है, एक का लेफ्ट हैंड पे है। हाँ नितेश जी, देखिए इंग्लिश के कैपिटल इंग्लिश के लेटर्स हैं, कुछ आपको महसूस हो रहे हो तो बताइए। सब पहला वर्ड ए लिख रहा है दोनों तरफ। बहुत बहुत बधाई हो, जीवन में आकार आना शुरू हुआ है। सबसे बड़ी बात, आप अल्फाबेट भी पहचानना शुरू कर दिए हैं। ए के नीचे कुछ दिखाई पड़ रहा है सर? ए के नीचे सर, ठीक है, हो सकता है, हो सकता नहीं है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। उसके पास में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं आता। नहीं सर, वैसे चलिए लेफ्ट आंख बंद करके राइट आंख से देखिए। इधर है लेफ्ट हैंड की। बहुत सारी बधाई हो, इससे भी आपको इमेज बनना शुरू हुई। सर ये सी दिख रहा है ऊपर? सी दिख रहा है। सी का मुंह किधर है? राइट हैंड साइड। बहुत सारी बधाई हो, आज आपको आकृति भी दिखना शुरू हुई है और आपको नंबर भी दिखना शुरू हुआ है। दोनों आंखें आपकी जिंदा हुई हैं, दोनों आंखों से संदेश आपको ब्रेन में जा रहे हैं कि क्या लिखा है, आप पढ़ पा रहे क्या। बधाई हो। आज आपका 7वां दिन पहला कोर्स खत्म हुआ और उसमें आपको ट्रिमेंडस रिलीफ आया है, तो आपको दिखना शुरू हुआ है पास का। आपको कैसा लग रहा है? पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ, विजन पहले से मेरा खुला है। पास का पढ़ने से आपको खुशी हुई? थोड़ी खुशी नहीं, काफ़ी खुशी हुई है और आगे जाके उम्मीद ये बड़ी है कि अपन
आगे जाके और अच्छे इम्प्रूवमेंट के साथ खड़े होंगे। विजन इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा, विजन इम्प्रूवमेंट होता जाएगा और अब मैं आरपी का पेशेंट नहीं रहूँगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने जीवन में वो पाया है जो सोच नहीं पा रहे थे आप। इतने सालों में अक्षर दिखना बंद हो गए आपको? मुझे चार साल हो गए। चार सालों से आप नहीं पढ़ पा रहे थे और उसके बाद आपको अब दिखना शुरू, शने शने रोशनी खत्म हुई थी या एकदम हुई थी? धीरे धीरे। कितने समय से आपको अक्षर धुंधले दिखने लगे थे? 3-4 साल से। तमाम डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने क्या कहा था? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अल्टीमेटली आपको टोटली सुरदास होना, ठीक, और आप हो भी चुके थे। आपको दूर की नज़र खत्म हुई, पास की नज़र खत्म हुई और कलर विजन खत्म हुआ। ये आपकी पास की जो दो लाइनें बड़ी हैं, ये आपकी कहाँ बड़ी है? ये सर मेरी डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ। कहाँ है डॉक्टर ऋषभ जैन? उज्जैन में, पटनी में। ऐसे कोई भी मरीज जिनकी आंखों की रोशनी टोटली खत्म हो गई है, दूर की पास की, इनको सिर्फ लाइट दिखाई पड़ती है, वैसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार यहाँ जरूर आएं, अपना इलाज जरूर लेके देखें। तो जिस तरह आपको फायदा हुआ उसी तरह दूसरों को होने की संभावना आपको लगती है? बिल्कुल जरूर, 100%। बहुत बहुत बधाई हो नितेश जी। नितेश जी आज आपका 7वां दिन है, पहला कोर्स खत्म हुआ। आप जिस दिन आए थे काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे अपने आप को, है ना? यस सर। जिस तरह से आप महसूस कर रहे थे और आज में जो फर्क आपको महसूस हो रहा है, तो आप बताएंगे कि सभी दर्शकों को कि आपको क्या महसूस? चेहरे पहचानने में इजी हुआ, चेहरा पहचानना शुरू हुआ है। देख सकते हैं आप कौन खड़ा हुआ है कौन नहीं। देखें ये पास में आपके कौन खड़ा हुआ है, इनको जानते हैं आप? राइट हैंड साइड पे मेरे पास में भैया खड़े हैं। क्या नाम है इसका? भूपेश जी। हाँ, भूपेश जी। भूपेश जी को आप पहचान रहे हैं? अब आपको उनका चेहरा क्लियर दिख रहा है? मूंछ है कि नहीं इनकी? हाँ, मूंछ है। मूंछ है इनकी। चश्मा? चश्मा है, लगा नहीं रखा है। लगा के नहीं रखा? अच्छा, ये पहचान पहले से मालूम है आपको भी? चश्मा है, लगा नहीं रखा। लगा के नहीं है, अभी तो नहीं लगाया। और कौन कौन बैठा है यहाँ पर आप देखेंगे? इनके पास उनकी दीदी बैठी है। दीदी है? हाँ। इनके पास मुझे मम्मी बैठी है। मम्मी के पास कितने खिलौने हैं? मम्मी के पास में एक बच्चा बैठा है। ठीक से देखो, बैठा शिवांश है। शिवांश बैठा, परी भी है दोनों। हाँ, परी भी है। कौन कौन है? परी और शिवांश। परी और शिवांश, अरे नाइस, आप तो नाम से पहचानने लग गए इनको, बच्चों को। 7 दिनों में इतना पेप वो हो गया कि आप इन बच्चों को देख के पहचान रहे हैं। अब ये बता दो आप तो, शिवांश किस तरफ है और परी किस तरफ है? शिवांश लेफ्ट साइड में है, परी राइट साइड में। अच्छा अच्छा, क्या कर रहा है बदमाश है? मम्मी के पास बैठा नहीं परी। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी को पहचान रहे हैं। पर एक नए मुसाफिर आए हैं हमारे यहाँ पे, आप इनको देख के पहचान पाओगे कौन है? लेडी है। कोई लेडीज हैं? सूट पहनी है या साड़ी? सूट पहना है। सूट पहनी हुई है ये? हाँ, लाइट ब्लू है। लाइट ब्लू, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब कलर में भी आपको आइडेंटिफिकेशन होना शुरू हुआ है। मेरा फेवरेट कलर है। हाँ अच्छा। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप सभी को देख के पहचान रहे हैं। ये बताइए, ये आप चेहरे नहीं पहचानते थे तो आपको क्या परेशानी होती? दिक्कत आती थी शॉप पे। शॉप में दिक्कत आती थी। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय।